पाकिस्तान के एक फैसले ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की बैलेंस शीट बिगाड़ दी है। फरवरी महीने में पाकिस्तान ने भारत आने जाने वाले विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये था कि भारतीय फ्लाइट्स पाकिस्तान के आसमान में उड़ान नहीं भर सकते। पाकिस्तान के इसी फैसले की वजह से एयर इंडिया को अब तक 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पहले से ही घाटे में चल रही एयर इंडिया के लिए ये बड़ा झटका है। अब एयर इंडिया को यूरोप, खाड़ी देशों और अमेरिका जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। एयर इंडिया को लंबे सफर की वजह से रोजाना 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान फ्यूल खर्च, केबिन स्टाफ खर्च और उड़ानों की संख्या कम होने की वजह से हो रहा है। पेलोड बैन और कैंसिलेशन से भी एयर इंडिया को रोजाना 2.75 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए एयर इंडिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से गुहार लगाई है। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय पाकिस्तान से बात कर सकता है। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स पर रोक लगाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैन की वजह से दिल्ली से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स को 2 से 3 घंटे तक का ज्यादा उड़ान भरना पड़ रहा है, जबकि यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को 2 घंटे ज्यादा उड़ना पड़ रहा है। इस वजह से पैसे और समय दोनों का नुकसान हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप से आने वाला ज्यादातर एयर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। बैन के बाद एक अमेरिकी एयरलाइंस ने दिल्ली न्यूयॉर्क की फ्लाइट को रद्द कर दिया। वहीं जर्मनी की विमान कंपनी लुफ्तांजा का कहना है कि इस बैन से उनकी भारत से बैंकॉक और सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। यानी नुकसान सिर्फ भारतीय एयरलाइंस को ही नहीं, भारत आने वाली विदेशी एयरलाइंस को भी नुकसान हो रहा है।